नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे बिहार को बंद करने की तैयारी की गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक जब से उसे मंजूरी मिली है उसके बाद से आरजेडी हो या तमाम विपक्षी पार्टियां, वो एकजुट दिख रही हैं और कह रही हैं कि जेडीयू से मुस्लिम वोटर जो है वो छिटकते जा रहे हैं। इस वक्त जदयू विधायक ददन पहलवान जी हमारे साथ हैं। सर, मुस्लिम वोटर जो है वो आपसे छिटकते जा रहे हैं, आरजेडी एक बड़ा बंद करने जा रही है जेडीयू के खिलाफ। देखिए, हमारा मुस्लिम परिवार नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं मुसलमानों के हित में, वो बिहार के अंदर कोई काम नहीं किया था। नीतीश कुमार जी के टाइम में आपका पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ साथ है, आपका मदरसा में जो आज़ादी से आज तक जो विद्या पढ़ाते थे टीचर मदरसा में, तो मदरसा वाले को यहाँ आपका बिहार में 3000 बेसी कभी मिला नहीं। चाहे ये अब मुसलमान के जो हित लोग मन रहे हैं, 15 साल शासन काल में लालू जी के टाइम में भी 3000 था उन लोगों का महीना। अभी नीतीश कुमार का टाइम हुआ तो 40-45 हजार रुपया मिलने लगा। तो मुसलमान के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, इसलिए मुसलमान सारे लोग अवगत हैं। लालू यादव की जो आरजेडी है या उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भगाने के लिए अब जदयू भी उतारू हो गई है देश से। मुसलमान की कहाँ भलाई की है, अपने राज्य में मुसलमान के लिए क्या काम किए हैं? मुसलमान के लिए सिरघाटी में इन्हीं के टाइम में दंगा हुआ था, ससरा में इन्हीं के टाइम में दंगा हुआ था, सीतामढ़ी में इन्हीं के टाइम में दंगा हुआ था। तो मुसलमान के लिए तो कोई काम किए नहीं नीतीश कुमार के राज में, कहीं पर भी मुसलमान की दंगा नहीं हुआ। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों उतरेंगे सड़क पर, पहले कह दिया है। देखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार फिर बनेगी, मुख्यमंत्री का छवि पूरे भारत में अच्छा है। अब मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, नीतीश कुमार सबके प्रति अच्छा सोचते हैं और बिहार के नाम के बारे में सोचते हैं, बिहार को ऊंचा बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। विपक्ष कह रहा है उनके पास मुद्दा बहुत है आपको घेरने के लिए। किनके पास? विपक्ष के पास। बिहार बंद करने जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा कहाँ है? नरसंहार में झोंक दिया बिहार को, अपराध में झोंक दिया बिहार को, अपहरण में झोंक दिया बिहार को, घोटाला में झोंक दिया बिहार को। इसलिए नीतीश कुमार को के खिलाफ इन लोग के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों भाई, अरे वो कुछ नहीं, जीरो, अब तो जीरो पर आ जाएगा, आउट हो जाएगा। देख लीजिए, आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि कितनी है अवकात। आपकी गठबंधन जो है वो ठीक है? अलायंस गठबंधन नहीं, फुल बहुमत से समझिए कि 200 पार करेगा, अब 220 के ऊपर जाएगा। ये जो बिहार बंद करने जा रहे हैं, इससे कोई असर पड़ेगा? बिहार बंद करके लोगों की परेशान करने की प्लानिंग है, लोगों की तंग तबाह किया जाए और ये लोग के और कोई काम नहीं। कोई काम नहीं, नहीं। देखिए, जिस तरीके से साफ कर दिया है कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं वो जदयू के साथ शुरू से ही इंटैक्ट थे और इंटैक्ट ही रहेंगे आने वाले समय में, अल्पसंख्यक वोटरों पर किसकी किसकी कितनी नज़र रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। और कौन नेता क्या कुछ कहते हैं उससे आपको लाइव स्ट्रीम रूबरू कराता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बिहार बंद के दौरान कितना तोड़फोड़ होता है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।